हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडिक्राफ्ट अकेडमी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है। एक और मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड, this infinite long thread that is uniformly charged, it's uniformly charged, ठीक है। ये मान लो कि ये आपका थ्रेड है, infinitely long है ये, ठीक है, और एक कुछ डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पे। इस infinitely long थ्रेड के वजह से इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। यहां पे एक और चीज आपको दी रखी होगी, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, दैट इज लैम्बडा कूलम पर मीटर। एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होता है वो दिया रखा होगा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि मैं एक ऊपर का कुछ एक एलिमेंट लेता हूं, मान लो कि वाई डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं डी वाई, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये थीटा है आपका, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इसको मैं अगर रिजॉल्व करूं तो ये हो जाएगा DE cos थीटा, और नीचे की तरफ हो जाएगा DE sin थीटा, ठीक है, DE sin थीटा। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो पाइथागोरस के हिसाब से आपको पता होगा, दिस इज आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसी डिस्टेंस पे अगर मैं यहां पे अगर dy लेता हूं, dy लेंथ लेता हूं, तो उसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और इसको भी अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो d cos थीटा और d sin थीटा के टर्म्स में रिजॉल्व हो जाएगा। एक चीज यहां पे समझने वाली बात यह है कि d sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो सारे जुड़ेंगे कौन से वाले कॉम्पोनेंट, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ही जुड़ेंगे, ठीक है। चलो तो अभी पहले तो मैं डीई निकालता हूं, तो डीई क्या होगा जरा देखो, डीई इज के डी क्यू, यहां पे डी वाई पे डी क्यू चार्ज होगा, तो यहां पे अगर मैं डी क्यू डिफाइन करूं तो डी क्यू इज नथिंग बट लैम्बडा टाइम्स डी वाई, डी क्यू इज नथिंग बट लैम्बडा टाइम्स डी वाई, ठीक है। तो के डी क्यू अपॉन ये वाला इसका स्क्वायर, दिस स्क्वायर, सो दैट वुड बी आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा डी ई हो जाएगा। तो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, सिर्फ डी ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट एड होगा, तो डी ई कॉस थीटा, यहां पे मैं कॉस थीटा भी लिख देता हूं कि कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये ट्रायंगल है तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, सो दिस इज आर बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस सबको मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पे, तो व्हाट आई विल गेट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, डी मीन्स के डी क्यू की जगह मैं लैम्बडा डी वाई लिखूंगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना है देखो जरा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये हो जाएगा के लैम्बडा डी वाई आर अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थ्री बाय टू, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थ्री बाय टू, ठीक है। मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, सो माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लैम्बडा आर डी वाई अपॉन आर स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर थ्री बाई टू। अब जितने भी कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल देता हूं, सो दिस इज के लैम्बडा आर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज डी वाई आर स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का थ्री बाई टू। अगर ये एक स्टैंडर्ड अपना इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, पुट y इज इक्वल टू आर टेन थीटा, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा डी वाई आर सिक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। देखो डिफरेंशियल अगर आप करोगे तो टेन का डिफरेंशियल सिक्स स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है, शायद आपको पता होगा, राइट। सो e इज इक्वल टू के लैम्बडा आर डी वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज आर सिक्स स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा थ्री बाई टू, वाई की जगह मैंने आर टेन थीटा लगाया यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्या करूंगा, के लैम्बडा आर आर सिक्स स्क्वायर थीटा
आर स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो हो जाएगा आर क्यूब, तो यहाँ से बाहर निकालूंगा तो ये अंडर रूट और टू कट जाएगा और ये क्यूब बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा थ्री बाय टू, दिस इज डी थीटा, दिस इज डी थीटा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर जब मैं ये सब्सिट्यूट करूंगा वाई इज इक्वल टू आर टेन थीटा तो उस हिसाब से मेरा लिमिट भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है। देखो जरा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्बडा आर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, दिस इज आर सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब, ये सेक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा और ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है ठीक है। अब देखो जरा, अब ये आर एन आर आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा के लैम्बडा बाय आर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, देखो ये हो जाएगा के लैम्बडा बाय आर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा वन बाई सेक थीटा, ये क्यूब था और ये स्क्वायर था, वन बाई सेक थीटा यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा सबको पता है क्या होता है, राइट, दैट इज साइन थीटा, और जगह माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है। तो ये जगह के लैम्बडा आर, के लैम्बडा बाय आर, तो साइन पाई बाई टू आपको पता है वन है, माइनस ऑफ माइनस साइन पाई बाई टू इज ऑल्सो वन, सो यू विल गेट टू के लैम्बडा बाय आर। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थ्रेड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।